नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आज मैं अपने खेत पर हूँ और आज धान की रुपाई को देखने वाले हैं, कैसे धान की रुपाई होती है और कैसे किस प्रकार एक किसान खेत की धान की रुपाई के लिए कितनी मेहनत करता है। देखिए, ये धान की रुपाई पहले लग चुकी है जो आप देख रहे हैं ये, और अभी पास वाले में ये धान की रुपाई के लिए तैयार कर रहे हैं, खेत को तैयार करते हैं। पहले उसको तैयार करने के लिए सारी मेहनत करना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है, कीचड़ बनाना पड़ता है, इसके बाद उसको धान की रुपाई होती है। आप देख सकते हैं इसमें चने लग चुकी है और इधर हमने सोयाबीन लगा रखा है। बरसात चालू हो चुकी है, लॉकडाउन का समय है और इसमें हमारी जो है धान की उलग चुकी है और इस साइड आप धान की रुपाई लगाने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। कड़े को यहाँ पे धान की रुपाई लगाना है। देखिए, भाई साहब हैं हमारे, धान की रुपाई लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं खेत को, काफ़ी परेशान हैं। मैं आया था यहाँ पे लॉकडाउन के समय घर पे, तो मैंने चलो सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी लगन लगाता है, जब जाके एक धान का एक दाना तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, कीचड़ में गड़े रहते हैं किसान, देख सकते हैं। और शहर वालों को ऐसा लगता है कि धान तो बस ऐसे ही आती है, पैसे बहुत मेहनत करते हैं भाई, देख सकते हैं कितनी मेहनत से एक धान को तैयार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस साइड जो धान लग चुका है वो तो ठीक है, इस साइड धान रुपाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इस साइड हम धान की रुपाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो बारी बारी धान की रुपाई को पौधे, और देखिए भाई साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं धान की रुपाई के लिए, बड़ा तैयार हो गया। पीछे आप देख सकते हैं हर खेत यहाँ पे सोयाबीन लगा हुआ है, और यही सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा था। और आज दिन में बारिश भी हुई है, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, वो भी मैं शेयर कर देता खेत पर। ये हमारी टंकी जिससे हम वो रुपाई गड़े में पानी डाल देते हैं, इसमें एकत्रित करते हैं पानी, इसके बाद फिर खेत में उस गड़े में भरते हैं। ये हमारा खेत का नज़ारा है जो आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, खेत वही जो है, जहाँ खेत है वहाँ वहीं पर हमारा घर बना हुआ है, हम वहीं पर कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं आसपास कहीं नहीं है रुपाई, ये सब चल रहा है। आज गांव पे आए थे, बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, आप देख सकते हैं बादल और पानी, कितना पानी खेतों में भर गया है, अभी अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी सर्दी लग रही है।